हेलो, मैं हूं अव्वल। आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में ये भी चल रहा था कि आज आपको कौन से वर्ड्स बताए जाएं जो हम अपनी डेली इंग्लिश में यूज करते हैं। तभी मुझे एक न्यूज हेडलाइन में वो वर्ड्स मिल गए जिसे हम आज सीखेंगे, और वो वर्ड्स हैं पास द बक। आपने कभी वो गेम खेला है या देखा है जिसमें म्यूजिक बजने पे एक तकिया एक दूसरे को पास किया जाता है, और म्यूजिक रुकने पे जिसके हाथ में वो तकिया होता है उसे कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ एक्टिंग करनी होती है, या जोक या म्यूजिक या सॉन्ग कुछ करना होता है। और हर किसी की कोशिश होती है कि वो तकिया जल्द से जल्द दूसरे को पास कर दे ताकि उसे कुछ परफॉर्म ना करना पड़े, क्योंकि आखिर में जो बचता है वो विनर होता है। अब ये मत सोचिए कि इस गेम को पास द बक कहते हैं, पर पास द बक का मतलब होता है बचना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, किसी ब्लेम से बचना, और उस ब्लेम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे के सर डाल देना। इन वर्ड्स का हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, सो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी ब्लेम को, किसी दोष को जब हम किसी और के सर डाल देते हैं, किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इन वर्ड्स का तब यूज होता है। सो इन वर्ड्स को तब नहीं यूज करना जब कोई अप्रिसिएशन की बात हो, शाबाशी की बात हो। एग्जाम्पल, यू फॉरगॉट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोंट पास द बक टू मी नाउ। तुम बिजली का बिल भरना भूल गए थे, सो अब इल्जाम मुझ पे मत डालो, मुझे दोषी मत ठहराओ। एक और एग्जाम्पल, द पोलिटिकल पार्टीज आर एक्सपर्ट एट पासिंग द बक टू ईच अदर। पोलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में माहिर हैं। जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ काम दिया हो और फिर उस इंसान से पूछा हो कि वो काम हुआ कि नहीं, और उसने कहा हो कि काम नहीं हुआ क्योंकि फलाना छुट्टी पे था, या फलाने ने मुझे डेटा देना था अभी तक नहीं दिया, या फिर और कोई बहाना। सो इस सिचुएशन में आप उसे कह सकते हो, द टास्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट पास द बक टू समवन एल्स। ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, काम पूरा ना होने के लिए किसी और को दोषी मत ठहराओ, किसी और को ब्लेम मत करो। जब भी किसी सिचुएशन में कोई काम सही नहीं होता, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ काम ठीक से नहीं होता, कुछ काम नहीं हो पाता, और हम इसका इल्जाम किसी और के सर डाल देते हैं, तो हम कहते हैं वी पास द बक। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे लंच पे बुलाया। उसने और उसकी वाइफ ने बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत चाव से खाना बना रखा था। जब हमने लंच खाना शुरू किया तो एकदम से मेरे दोस्त की वाइफ बोली, उफ, दाल में नमक कम है, मेरी काम वाली बाई कुछ भी ठीक से नहीं बनाती, और उसने मुझे खाना चखने को भी नहीं कहा कि मैं देख लेती कि नमक वमक कम तो नहीं है। ये सुनते ही मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ को कहा, डोंट पास द बक टू योर मेट। सही कहा उसने, क्योंकि खाने पे मुझे उन लोगों ने बुलाया था, ना कि उनकी मेड ने। सो खाना ठीक से बना है ये उनकी जिम्मेदारी थी, ना कि उनकी मेड की। डोंट पास द बक टू योर मेड। वैसे इस एग्जाम्पल में हम पास द बक की जगह ब्लेम वर्ड यूज कर देते हैं, हम कहते हैं डोंट ब्लेम योर मेड, तो वो भी वही मतलब होता, वो भी सही होता, पर फिर आपकी नॉर्मल इंग्लिश इफेक्टिव और इंप्रेसिव इंग्लिश ना बन पाती। अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाओ, भीड़ से आगे निकलो। मैं इंतजार करूंगा आपके लाइक्स और कमेंट्स का, और अगर आपके लाइक्स ना आए तो मैं कहूंगा शायद ये वीडियो ही सही नहीं बनी, शायद मेरे साउंड इंजीनियर ने माइक ठीक से नहीं लगाया, शायद मेरे कैमरामैन ने ठीक से फोकस नहीं किया, शायद आज का दिन ही खराब था। आई विल पास द बक। और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेके आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।